हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू रिव्यूज गैलरी। गाइस आज की वीडियो में हम एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देने वाले शोज यानी कि वर्ल्ड्स बेस्ट डेडली सर्वाइवल सीरीज लेकर आए हैं। इस लिस्ट में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स, एलियन इन्वेजन, मॉन्स्टर अटैक्स और इनके अलावा बहुत सी डेडली सिचुएशन से रिलेटेड बेस्ट सीरीज ऐड की गई हैं जो हद से ज्यादा थ्रिलिंग है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 10 पर हमारे पास है फॉलिंग स्काइज। इस साइफाई शो के 5 सीजन हैं और शो की स्टोरी है अबाउट एन एलियन इन्वेजन। इस एलियन अटैक के सर्वाइवर्स एक साथ मिलकर फाइट बैक करते हैं और इन एलियंस को डिफीट करने की कोशिश करते हैं। इस शो में मिलिट्री एस्पेक्ट भी बहुत वेल हैंडल्ड है जिसकी वजह से ये शो बहुत रियलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट करता है और आप कैरेक्टर्स के साथ एक सर्वाइवल जर्नी पर चले जाते हैं। नंबर 9 पर हमारे पास है द स्ट्रेन। इस हॉरर सुपरनैचुरल शो के 4 सीजन हैं दैट आर अबाउट वैम्पायर्स। शो की स्टोरी में बेसिकली एक टीम न्यूयॉर्क सिटी में वैम्पायर आउटब्रेक को इन्वेस्टिगेट करती है और अपने सर्वाइवल के लिए ये टीम वैम्पायर्स कत्ल करती है। एक्शन लवर्स के लिए ये शो एक हिडन जेम है बिकॉज इस शो के हर एपिसोड वायलेंट एक्शन से पैक्ड है। नंबर 8 पर हमारे पास है द 100। इस साइफाई शो के 7 सीजन हैं जो स्पेस से रिलेटेड हैं। शो की स्टोरी सेट है 97 इयर्स आफ्टर अ न्यूक्लियर वॉर जिसने पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। द रिमेनिंग ह्यूमन रेस एक स्पेस स्टेशन में सरवाइव कर रही है। इनमें से 100 प्रिजनर्स को अर्थ पर वापस भेज दिया जाता है टू चेक कि अर्थ पर सरवाइव किया जा सकता है या नहीं। ओवरऑल इस शो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया गया है जिसकी वजह से आप इस शो में डीपली इंडल्ज रहेंगे। नंबर 7 वी हैव द वर्ल्ड्स फेमस सीरीज स्क्विड गेम। इस कोरियन शो का एक सीजन है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। शो की स्टोरी में बहुत से लोग अपनी जिंदगी में एक टफ टाइम से गुजर रहे होते हैं। वो एक इनविटेशन टू अ चिल्ड्रंस गेम्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। विनिंग प्राइज में बहुत ज्यादा पैसे होते हैं लेकिन हारने वाले के लिए डेडली कॉन्सिक्वेंसेज हैं और इन सबको अब इस गेम में सर्वाइव करना होगा। इस सीरीज की स्टोरी को इतनी अच्छी तरह से कैरी आउट किया गया है कि इस शो के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ट हो जाता है और इसी वजह से ये नेटफ्लिक्स के मोस्ट वॉच शोज में से है। नंबर 6 पर हमारे पास है स्ट्रेंजर थिंग्स। इस सुपरनैचुरल हॉरर सीरीज के 4 सीजन्स हैं जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज किए गए। शो की स्टोरी में एक लड़का मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो जाता है। उसको ढूंढने के लिए उसके फ्रेंड्स को बहुत ही हॉरिफाइंग सुपरनैचुरल एंटिटीज से लड़कर सरवाइव करना पड़ता है। इस शो ने हॉरर थ्रिलर और कमिंग ऑफ एज के 2 कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनर्स को बहुत अच्छी तरह से मर्ज किया है और ये वन ऑफ द मैनी रीजंस हैं व्हाई स्ट्रेंजर थिंग्स इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज ऑन नेटफ्लिक्स। नंबर 5 पर हमारे पास है एलिस इन द बॉर्डरलैंड। इस जापानीज शो के 2 थ्रिलिंग सीजन्स हैं जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं। शो की स्टोरी में अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मिस्टीरियसली एक पैरेलल डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहां इन सबको एक डेडली गेम में सर्वाइव करना पड़ता है। इस शो का कॉन्सेप्ट नया तो नहीं लेकिन इस शो के डेवलपर्स और क्रिएटर्स ने इस तरह से इस शो को बनाया है कि आप पहली एपिसोड से ही इस शो की दुनिया में खो जाएंगे। और नंबर 4 वी हैव ऑल ऑफ अस आर डेड। इस कोरियन सीरीज का एक सीजन है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है। शो की स्टोरी में एक स्कूल में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है और ट्रैप स्टूडेंट्स को ज़ॉम्बी से लड़कर सरवाइव करना होता है। इस एडिक्टिव शो में ज़ॉम्बी हॉरर और हाई स्कूल ड्रामा को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया गया है जिसकी वजह से ये बाकी सब ज़ॉम्बी रिलेटेड सीरीज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट और इंगेजिंग है। नंबर 3 पर हमारे पास है द टीवी शो सी। इस ड्रामा सीरीज के 3 सीजन हैं जो एप्पल टीवी पर अवेलेबल हैं।
शो की स्टोरी फार फ्यूचर पर बेस्ड है, जहां सारे सर्वाइविंग ह्यूमंस ब्लाइंड हैं। इन सब लोगों का एक ट्राइब होता है जो अंधे होने के बावजूद सर्वाइव करते हैं। लेकिन ये सब कुछ चेंज होने लगता है जब इस ट्राइब में दो नए बेबीज बॉर्न होते हैं, हु कैन सी। इस शो का कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है और जिस तरह इन लोगों का लिविंग स्टाइल बताया गया है वो एक होल न्यू कल्चरल और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। नंबर टू पर हमारे पास है द लास्ट ऑफ अस। ये पोस्ट एपोकलिप्टिक ड्रामा सीरीज 2023 में रिसेंटली रिलीज हुई और रिलीज होते साथ ही 2023 की अब तक की मोस्ट ट्रेंडिंग सीरीज बन गई। शो की स्टोरी में एक वायरस की वजह से ऑलमोस्ट सब ह्यूमंस एक्सट्रीमली डेंजरस क्रिएचर्स में चेंज हो जाते हैं। इनमें से एक सर्वाइवल जिसका नाम जोल है, उसको टास्क मिलता है टू सेफली ब्रिंग बैक अ स्मॉल गर्ल नेम्ड एली। इन दोनों को एक साथ सर्वाइव करना पड़ता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये दोनों इन फ्राइटिंग मॉन्स्टर्स में किस तरह सर्वाइव करेंगे तो ये शो जरूर देखें। नंबर वन पर हमारे पास है द वॉकिंग डेड। इस शो के 11 बिंज वर्थी सीजन्स हैं और काउंटलेस एक्शन फिल्ड एपिसोड्स हैं। शो की स्टोरी सेट है एक डिस्टोपियन वर्ल्ड में, जहां अ ग्रुप ऑफ सर्वाइवर्स फाइट द अनडेड टू स्टे अलाइव। इस शो में कैरेक्टर डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, जिसकी वजह से हर एक कैरेक्टर से बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। इतनी अटैचमेंट के बाद इन कैरेक्टर्स को डेंजर में देखकर बहुत सस्पेंस और थ्रिल पैदा होता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये शो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो इन द वर्ल्ड है और इस लिस्ट में भी नंबर वन पर है। तो गाइज, ये थी टॉप 10 वर्ल्ड्स बेस्ट डेडली सर्वाइवल सीरीज। अगर आपने मोर लेटेस्ट सीरीज के बारे में जानना है तो हमारी सीरीज वाली प्लेलिस्ट जरूर देखें। अगर आपको लगता है कि हम कोई डेडली सर्वाइवल सीरीज भूल गए हैं तो फिक्र न करें, क्योंकि हम उन सीरीज और मूवीज को नेक्स्ट वीडियो में जरूर मेंशन करेंगे। फर्दर डिटेल्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर को फॉलो करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।